देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। विश्व पटल पर देश और अपने नगर का नाम रोशन करने वाली बेटियां हर्षिता और दर्शिता अपने गृह नगर राधोगढ़ वापस लौटी। वापसी पर राधोगढ़ सेवा संघ ने मिठाई खिलाकर अगवानी की। थाईलैंड में आयोजित हुई विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भारत की ओर से बैडमिंटन प्रतियोगिता के सिंगल्स में अलग अलग आयु वर्ग में राधोगढ़ की दो सगी बहनों हर्षिता और दर्शिता ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इन बेटियों ने पूरे विश्व में अपने देश और राधोगढ़ नगर का नाम रोशन किया है, साथ ही अपने विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी नाम रोशन किया। दोनों बहनें आज प्रातः नागदा उज्जैन ट्रेन से अपने गृह नगर राधोगढ़ वापस लौटी। स्टेशन पर पहुंचकर राधोगढ़ सेवा संघ के सदस्यों ने स्वागत किया और मिठाई खिलाकर अगवानी की। सब लोग खाओ भाई। तो भैया ये तो सब ठीक है, ये तो सब ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये थोड़ी बहुत से नहीं आ रहा, बहुत बड़ा मारा है इनने। वीडियो चालू है। फोटो भी ले लेना बेटा। हाँ मैं फोटोज तो ले लूंगा, इससे अच्छा फोटोज ही ले लेता हूँ ना। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। कल कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं नगर पालिका के ठेकेदार अरविंद गुप्ता के यहाँ करोड़ों की चोरी का खुलासा आज भी नहीं हो पाया। देर रात पुलिस अधीक्षक कांग्रेस नेता के घर तफ्तीश करने पहुँचे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के अनुसार करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी होना बताया जा रहा है। वहीं सोने और चांदी के जेवरात भी गायब है। अरविंद गुप्ता के अनुसार चोरी के पैसे का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी अभी गुनाह में मौजूद नहीं। उनके आने पर ही सभी से अनुमान लगाया जा सकेगा। वहीं अरविंद गुप्ता ने बताया कि चोर करीब 4 से 5 लाख रुपए तो छोड़कर ही चले गए। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह रुपए 1 से 1.5 करोड़ की नहीं बल्कि ज्यादा भी हो सकते हैं। साथ ही दिन के समय में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, यह इस घटना से साफ समझा जा सकता है। इस चोरी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि इतना पैसा घर में क्यों रखा गया, जबकि सरकार बोलती है कि पैसा बैंक में जमा करें, जबकि सीसीटीवी फुटेज में चोरी करने वाले के चेहरे कैद हो गए, तो उन्हें अभी तक मीडिया से क्यों छुपाया जा रहा है, जबकि ऐसे मामलों में सीसीटीवी फुटेज मीडिया में वायरल कर दिए जाते हैं, जिससे कि आरोपियों तक पुलिस जल्द ही पहुंच सके। अब देखने लायक होगा कि पुलिस इस घटनाक्रम को कितनी जल्दी पर्दाफाश कर पाएगी। हालांकि इससे पहले होटल राजविलास में भी एक शादी समारोह में से हुए लाखों की चोरी का पर्दाफाश पुलिस आज तक नहीं कर पाई है, जबकि इस वाक्य को गुजरे कई महीने हो चुके हैं और उसमें भी नाबालिग चोरों ने ही चोरी की थी। गुप्ता जी रहते हैं और उनके यहाँ लगभग 2 सप्ताह के बीच में जो है दो लोगों ने अज्ञात लोगों ने यहाँ पर रहकर चोरी की। लगभग 1 करोड़ का इसमें वसूल का बता रहे हैं और आगे इसमें तफ्तीश की जा रही है। सर क्या प्रथम दृष्टया क्या आपको नज़र आ रहा है? कुछ क्लूज मिले हैं, उन क्लूज पर हम वर्क करेंगे। FIR दर्ज? FIR हो रही है और जो क्लूज मिले हैं उस पर हम लोग आगे काम करेंगे और इसमें निश्चित ही इसमें जो है हम लोग कहीं ना कहीं जरूर पहुँचेंगे। तो जो है जब तफ्तीश करी जाएगी और जो बरामद करेंगे उसके बाद ही कहा जा सकता है। दोपहर में चोरी हो गई,
डेढ़ से लेके और ढाई के बीच में। क्या कुछ सामान गया? कैश और गोल्ड वगैरह, बाकी अभी मिसेज मेरी ग्वालियर गई हुई है, वो आएंगी तो और पता लगेगा। कितना कुछ कैश है? अब वो मिसेज के आने पर ही क्लियर होगा, क्योंकि एक अलमारी अभी बंद है, उसकी चाबी उनके पास है, दो अलमारी तो उसमें, तो एक और अलमारी उसमें कितना रखा था, तो उसमें कितना गया है, जैसे 4-5 लाख तो भी मतलब छोड़ के चले गए, वो उनके आने पर ही पता लगेगा। संभावित राशि 1-2 करोड़ के आसपास। कुछ सुराग लग पा रहा है? CCTV फुटेज वगैरह हम कुछ जानकारी? वो उन्होंने सामने जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने फुटेज ले लिया है, और उसमें दो लोग हैं जो उसको दिखाई दे रहे हैं, बट जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, उन लोगों ने फोटो लिया है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अखिल भारतीय धोबी महासंघ द्वारा अमर शहीद उधम सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। जयस्तंभ चौराहे पर यह श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्रांतिकारियों के हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर भरी सभा में गोली मारकर शहीद उधम सिंह ने बदला लिया था। भारत के वीर सपूत अमर शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर जयस्तंभ चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन रजक, प्रदेश महामंत्री नरेंद्र नौनेरिया, जिला अध्यक्ष नारायण रजक, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनीष रजक, सचिव दीवान रजक, संत गाडगे सेवा समिति उपाध्यक्ष जितेंद्र रजक, विजय रजक, युवा सचिव राकेश रजक, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश रजक, कट्टू लाल, प्रहलाद नौनेरिया, दीपक नौनेरिया, नीलेश, रविंद्र, प्रदीप, सचिन बड़ेरिया आदि उपस्थित रहे। जलियांवाला हत्याकांड में बहुत से निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतारने से हाथ धोकर रजक समाज के सपूत श्री उधम सिंह जी रजक ने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर की हत्या की, जिससे आक्रोशित होकर अंग्रेज सरकार ने हमारे भारत के सपूत और शहीद उधम सिंह जी को आज ही के दिन फांसी पर चढ़ाया था। आज गुना जिले का रजक समाज एकत्रित होकर उनको आज संध्या पर मोमबत्ती के द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अहिरवार समाज ने मकसूदनगढ़ थाने के सामने पुलिस के खिलाफ देगा धरना प्रदर्शन। मकसूदनगढ़ में दलित समाज ने खोला पुलिस के खिलाफ मोर्चा। पुलिस के खिलाफ धरने की अनुमति लेने SDM के नाम आवेदन लेकर पहुंचे मकसूदनगढ़ तहसीलदार के पास। इसके बाद भी तहसीलदार ने नहीं लिया दलित समाज का आवेदन, तो दलित समाज के लोगों ने पोस्ट ऑफिस के जरिए आवेदन SDM कार्यालय भेजा। साथ ही मकसूदनगढ़ पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया, कहा कि मकसूदनगढ़ पुलिस ने पैसे लिए हैं इसलिए नहीं कर रहे आरोपियों की गिरफ्तारी। दरअसल पूरा मामला यह है कि बेरखेड़ी नामक गांव में एक दलित परिवार पर दबंग परिवार के द्वारा बुरी तरह मारपीट कर दी गई थी, जिस पर मकसूदनगढ़ पुलिस ने आरोपियों से शॉर्टकट कर घटना के लगभग 1.5 से 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिसके चलते अहिरवार समाज में आक्रोश देखा जा सकता है। साथ ही मधुसूदनगढ़ थाने के खिलाफ प्रशासन को आवेदन दिया एवं थाने के सामने अहिरवार समाज ने मांग की कि वह धरना प्रदर्शन करेगा। धरना प्रदर्शन के आप अनुमति लेने के लिए। अच्छा, फिर आपको अनुमति मिली? नहीं मिली। तो क्या बोला साहब ने? साहब ने मना किया कि मैं नहीं दे सकता हूँ, SDM साहब से के पास जाओ, वो देंगे, वो बोलेंगे, तो इसके बाद में मैं दे सकता हूँ। फिर आपने क्या किया? अब हम पोस्ट ऑफिस द्वारा मतलब आवेदन SDM साहब के पास पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो आप ये धरना प्रदर्शन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हमारी कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या मामला है, मामला बताइए। लड़ाई का है कि 4 कुल्हाड़ी मेरे भैया के सिर में मारी। क्या नाम है भैया का? राम बाबू। कौन से गांव के हैं? बरकड़ी राम। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर अब आप क्या चाहते हो? आप गिरफ्तारी चाह रहे हैं।
तो क्या पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी है? कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, पुलिस आ रही घूम के चली जाती है। अच्छा, तो किसके विरोध में धरना देना चाहते हो आप? पुलिस के विरोध में, जो हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, मांग नहीं कर रही, सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस ने मान लो पैसे खा पी लिए, इसीलिए मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। कबीरपंथी संत रामपाल दास के अनुयायियों ने निकाला SC/ST एक्ट के समर्थन में जुलूस। जुलूस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ के उस फैसले के विरोध में था जिसमें कहा गया था कि SC/ST एक्ट में बिना जांच के कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये बताया गया कि इस एक्ट में पुनः संशोधन करके पहले जैसा ही बनाया जाए, नहीं तो आगामी 9 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया जाएगा। इस मौके पर दलित समाज के करीब 300 से ऊपर लोग मौजूद थे। भारत वर्ष में लगभग 1 करोड़ अनुयायी हैं और हम ST/ST एक्ट के समर्थन में दलित समाज को अपना समर्थन देना चाहते हैं। 9 तारीख में जिनका शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन है उसमें हम अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण देना चाहते हैं। प्रजापति समाज ने आज एक जुलूस के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जिसमें मध्य प्रदेश में शासकीय निर्माण कार्यों में मिट्टी की ईंटों को बंद किए जाने का विरोध दर्ज कराया गया। प्रजापति समाज की माने तो मिट्टी की ईंटें बनाने का कार्य इनका पुश्तैनी कार्य है और इसमें लाखों लोग मजदूरी प्राप्त करते हैं। वहीं सरकार के आदेश के अनुसार इन मिट्टी की ईंटों का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसके स्थान पर सीमेंट की ईंटों का उपयोग शुरू कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें कहा गया कि इस आदेश को पुनः स्थगित किया जाए ताकि लाखों लोग बेरोजगार न हो जाएं। साथ ही यदि इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता तो आगामी समय में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील केंद्रों पर प्रजापति समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किए जाएंगे। साथ ही ये धमकी भी दी गई कि इस प्रदर्शन में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जितनी इमारत पुरानी है नालीद की निशानी है, जितनी इमारत पुरानी है नालीद की निशानी है, जितनी इमारत पुरानी है नालीद की निशानी है, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार ने आपके निर्माण कार्यों में मिट्टी से बनाई जाने वाली लाल ईंट को बंद कर दिया है और उसके स्थान पर बड़े बड़े उद्योगों में बनाई जाने वाली स्लाई की मध्य प्रदेश सरकार अपने स्लाई की का प्रयोग साथ ही इधारों में किए जाने वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के बहस करते हुए मिट्टी की का प्रयोग होना चाहिए। आज हम प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला गुना के तत्वावधान में हम ज्ञापन देने आए शासन को, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने जितनी भी लाल ईंट जो मिट्टी से निर्माण होती है इस पर रोक लगा रखी है और शासकीय निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश एवं सीमेंट से बनी ईंटों के लिए वो CRS में PWD के द्वारा ये आदेश निकाल रखा कि लाल ईंट की जगह वही वाली ईंटें लगाएं। इसके कारण हमारे कम से कम 1.5 करोड़ आबादी जो मध्य प्रदेश में ईंट के कारोबार से जुड़ी हुई है, चाहे वो उसके निर्माण में है, उसके परिवहन में है या उसमें मजदूरों के द्वारा जो रोजगार है, इस सबसे हम वंचित होने के कगार पे खड़े हुए हैं। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी और इससे हमारी समाज के जो रोजगार है वो छिनता चला जा रहा है। प्रजापति समाज एक ऐसी समाज है जो शांतिप्रिय समाज है, ये कभी रोजगार के लिए आंदोलन नहीं करती ना रोड़ों पर आती, पर हमारा वंशानुगत जो परंपरागत अनुसार जो वर्षों से चला आ रहा कारोबार जो हमारी सभ्यता का प्रतीक है मोहनजोदड़ो
सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारी ईंटें निकली हुई हैं। ये हमारी सभ्यता की निशानी है कि जो हमारे निर्माण की जो मजबूती की निशानी है। इसके बावजूद भी अब शासन की नई नीतियों के कारण हमारा यह दमन हो रहा है और इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं कि आप इस आदेश को वापस लें और जो पुराना आदेश जो चल रहा था कि जो मजबूती के आधार पर ईंटें लगाई जाती थी वही ईंटें लगाएं। तो ये इसलिए हम आज ये कलेक्टर साहब को माननीय कलेक्टर साहब को हम एक ज्ञापन देने आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है। गुना से मक्का मदीना हज के लिए जा रहे सभी हाजियों को मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने किया सम्मान। मुस्लिम समाज अध्यक्ष ने अमन और चैन की दुआएं मांगते हुए सभी हाजियों को गुना से मुंबई के लिए रवाना किया। हज यात्रियों को विदा करने वालों में मोहम्मद शफीक उर्फ काले भाई, मोहसिन कुरैसी, मोहसिन मिर्जा, साकिर सैयद, इरफान हुसैन, अजीम मिर्जा, मोहम्मद हनीफ़ उर्फ पप्पू आदि बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। जी भाई इधर देखो फतेहगढ़ थाना के अंतर्गत महिला की नदी में डूबने से हुई मौत। मामला बमोरी तहसील के फतेहगढ़ का है। फतेहगढ़ कस्बे की रहवासी अनुराधा भार्गव उम्र 25 वर्ष पति मुकेश भार्गव जो आज सुबह फतेहगढ़ नदी पर पूजा सामग्री विसर्जन करने के लिए गई थी उसी समय अचानक नदी में पैर फिसलने से नदी में डूब गई। करीब 10 से 15 मिनट डूबे रहने के बाद किसी बालक के देखने पर परिजनों को अवगत कराया गया। पश्चात महिला को 3 लोग पानी से बाहर निकाल लाए। तब तक महिला का दम पूरी तरह से घुट चुका था। इसके बाद परिजन महिला को फतेहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए जहाँ डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया ही जिला अस्पताल ले जाने को बोल दिया। बमोरी तहसील की हालत यह है कि मौके पर एक भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। जानकारी लेने पर मालूम चला कि बमोरी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है और फतेहगढ़ एम्बुलेंस एक्सीडेंट के कारण उपलब्ध नहीं हो सकेगी, जिसके कारण परिजनों को प्राइवेट गाड़ी कर उक्त महिला को जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगर समय पर एम्बुलेंस सुविधा मिल पाती तो शायद महिला की जान बच सकती थी। सामग्री की पूजा की नदिया में जी करके डाल भी गई थी तो पाँव रिपट गया। अच्छा, और फूक दे गई। आपको कैसे पता चला? फोन आया था, मैं भाग के आया तो कुछ जो जो है डुबकी लगाने वाले उनको उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला। अच्छा, बाहर निकाला। वहाँ डॉक्टर को दिखाया आपने? आने में सूचना थी, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कही आप गुना ले जाओ। अच्छा, वहाँ एम्बुलेंस से आए कैसे आए? एम्बुलेंस वहाँ मिली नहीं तो चौराहे पे से गाड़ी लेकर उसको लेके। अच्छा, वहाँ से तो गाड़ी अभी आ पाए हो आप? हाँ। एम्बुलेंस की डॉक्टर ने क्या बोला था? उन्होंने ये बताया और मैं वहाँ से निकल लिए जल्दी आता वहाँ। अच्छा, गायों के लिए मुस्लिम युवक बना मसीहा, प्रतिदिन गायों को खिलाते हैं चारा। दरअसल इस मौसम की मार झेल रही गायों की हालत बहुत ही खराब हो रही है। ऐसे में उनके मालिक इलाज कराने की जगह इन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। देश में गोरक्षा के लिए बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं लेकिन सड़कों पर बेसहारा घूमने वाली गायों की फिक्र करने वाले कम ही मिलते हैं। इस दिशा में आरोन तहसील के मुस्लिम युवक ने जो किया वह अपने आप में मिसाल है। हम बात कर रहे हैं आरोन नगर की, जहाँ एक मुस्लिम युवक जिनको लोग इशाक चाचा के नाम से जानते हैं वह प्रतिदिन अपने खेत से चारा काट कर रोड पर घूमती गायों को खिलाते हैं। वहाँ से रोज डाल दिए गायों को? हाँ, ढेरी डाल रहे हैं। वहाँ से लाते हैं? अपने बाड़े में से लाते हैं। आप ही के बाड़े में? हाँ। तो ये कटवाने के लिए पैसे आप ही खर्च करते हैं? और हमें तो करते हैं, मैं ही काट कर लाता हूँ। आप स्वयं अपने हाथों से काटते हैं? हाँ, मेरे हाथ से रोज। कितने वैसे बेचे हैं तो कितने का होगा? 200 रुपये गाँव था, फिर हम 150 दे रहे हैं।
150 को है भैंस है, 2 रुपये पूरे बिक रहा है। हाँ हाँ, यानी कितने पूरे हो, 50 पूरे? नहीं नहीं, ये 70 पूरे थे, देखो बड़े बड़े पूरे हैं सर। वो तो नहीं, अपन तो ये है कि हम मुझा गई है खाने भैया साहब। और क्या धंधा क्या करते हैं आप? आलू का व्यापार करते हैं, आलू प्याज खेती करते हैं। गाय को आप घासा ये चारा डालते हैं तो इससे क्या आपको लाभ है? हमें बहुत लाभ है, जैसे हमारे को पाँव टूट रहा जो अच्छे होगा, दूसरे हमारी खेती में बरक्कत हो रही है। आप गाय को चराने से आपका? हमें बहुत लाभ है। अच्छा, जैसे हमें इतना लाभ है घास चराने से कि हमारी खेती अच्छी हो रही है, हमारे व्यापार में फायदा है, हमें गाय का अच्छा फायदा है, जैसे हम जो काम कर रहे हैं भैया। नहीं, हम तो वैसे छड़ा कर फेंक देते वहाँ। सही बात है, बेच भी देते आप? हाँ, लेकिन आप फ्री में नहीं है ना, चरा गई है, कोई देता है तो नहीं है ना? हाँ, आप स्वयं स्वेच्छा से ही कर रहे हैं। हाँ, हारून से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। धरनावदा से मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए मोटरसाइकिल यात्रा रवाना। धरनावदा गांव में वर्ष 2001 में मां वैष्णो देवी के दरबार में जाने की ऐसी परंपरा चली कि पहली यात्रा में गांव से 15 युवाओं की टोली रवाना हुई। इसके बाद 18वें वर्ष में भी आज 10 सदस्यीय टीम बबलू, बंटी, हरिचरण, ओम प्रकाश, बंटी, कमलेश, मेघराज, कमलेश, वीरेंद्र, रामचरण, इन युवाओं की टीम वैष्णो देवी के लिए निकली। गांव में युवाओं का स्वागत किया गया, साथ ही मंगल गीतों के साथ गांव की परिक्रमाएं भी की। ग्रामीणों ने यात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किया। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।